तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट अदर क्लास। क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? अपन ने क्लास के अंदर क्या देखा? पिछली क्लासेस के अंदर लेटेस्ट टॉक अबाउट दैट। वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पोजिशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी, actual path which is covered by the body, that path or that measure of the path is known as distance. ये अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन ने बात की speed and velocity की। What is speed? Speed is distance upon time. Velocity is displacement upon time. Speed is distance upon time and velocity is displacement upon time. इसमें से कौन सा vector होता है, कौन सा scalar होता है, ये अपन सारी बात कर चुके थे। फिर अपन आगे गए, अपन ने देखा speedometer क्या होता है, odometer क्या होता है, इसके बारे में बात की। फिर अपन ने ये भी बात की थी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात की, ये भी बात कर चुके थे। फिर अपन गए थे इसके आगे एवरेज स्पीड के ऊपर, और एवरेज स्पीड का टाइप वन क्वेश्चन वी वर डूइंग इन द क्लास इन द लास्ट क्लास। आज उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड किया, ठीक है? इस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या दे रखा है, कल उसकी बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है? अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद 50 किलोमीटर पर आवर, 50 स्पीड चला, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ना, एंड रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए विद 120 किलोमीटर पर आवर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। कैलकुलेट करके बताइए जो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल के आता है उसको कैलकुलेट करके बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है। बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन रेजन करके मुझे बता सकता है? क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर अपन ने ये चीज सेम क्वेश्चन किया था। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप मुझे मेथड बताइए, आई डोंट वॉन्ट दी आंसर, आई ओनली वॉन्ट द मेथड फ्रॉम यू गाइस। तो जो भी मुझे मेथड बता सकता है कि करना ऐसे ऐसे करना चाहिए, सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे, तो कैसे करेंगे एक बार आप रिजाइन करके बताइए क्लास के अंदर। और जो मुझे फॉर्मूला भी बता सकते हैं तो वो भी रिजाइन करके बता दो। आई वॉन्ट फॉर्मूला और मेथड। आप फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला बताइए, मेथड जानते हैं तो मेथड बताइए। बस तो सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान से देखो। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा जो कार है, दैट कार मूव्स विद 50 किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड से ए से बी तक जाता है। बी से वापस ए कैसे आएगा? बी से वापस आपके ए आता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस अगर कोई अपन से पूछे तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन लेट कर लेते हैं, लेट द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी बी एक्स। हमने क्या माना कि ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, एक्स है। देखो क्वेश्चन के अंदर अपन को ना ही यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है और ना ही यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है, बट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों चीजें भी दे रखी तो दोनों निकालने पड़ेंगे। सेपरेशन को अपन ने ए और बी के बीच का कितना माना, एक्स माना। नाउ जब ये पार्टिकल जाएगा तो ए से बी जब जाता है तो एक्सिस तक, तो वापस आएगा तो अच्छा एक्सिस तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। नेक्स्ट जो अपना इसमें काम होता है वो होता है तो कैलकुलेट द टोटल टाइम। और टाइम टोटल कैसे निकालेंगे, पहले तो जाने वाला टाइम टी वन निकालना पड़ेगा और फिर वापस आने वाला टाइम जो टी टू है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? जो जाने में अपना टाइम लगा और जो वापस आने में अपना टाइम लगा, अपन को ये दोनों टाइम क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे बेटा, ध्यान से देखो। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या होगा बेटा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है? चलिए इसी तरीके से जब मैं T1 की वैल्यू निकालता हूँ, T1 क्या था, जाने का टाइम था, A टू B, A टू B जाने का टाइम क्या होगा, जाने वाला डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय जाने वाली स्पीड,
50 और वापस आने वाला टाइम क्या होगा, t2 टाइम विल बी इक्वल टू x अपॉन 120, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू x अपॉन 50 प्लस x अपॉन 120, एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा 600, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऊपर बचा यहाँ पर 12x प्लस इधर आ गया 5x, सही है, आंसर विल बी टोटल टाइम इज इक्वल टू 17x बाय 1600, ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया और ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। बेटा यहाँ तक अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर अपन ने इंडिविजुअल टाइम निकाला, जाने वाला टाइम और वापस आने वाला टाइम, जाने वाला टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस कितना था जाते समय x और स्पीड कितनी थी 50, सिमिलरली वापस आते समय भी डिस्टेंस कितना था x, स्पीड कितनी थी 120, ऐड करा, ऐड किया, टोटल टाइम कितना निकला 17x / 600, कितना निकला 17x / 600। बेटा यहां तक अगर बात समझ में आती है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए सारे बच्चे, एवरीवन इन द क्लास, अगर यहां तक बात समझ में आई तो एक बार हैंड रेज करके बताइए, फास्ट एवरीवन, सब बताएंगे सब सारे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया, ओके बेटा क्लास को छोड़ के मत जाना, इन द लास्ट 5 मिनट आई विल डू दी अटेंडेंस, लास्ट के 5 मिनट में मैं अटेंडेंस करूंगा, बीच में अगर आप क्लास छोड़ के अगर जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है, और मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं करना है बच्चों आपको कि लास्ट के 5 मिनट में क्लास ना हो, मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर कि आप कितने बजे क्लास में आए। चलिए तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा, अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल टाइम निकाला, अब अपन क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, समझ में आई बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था 2x था, डिवाइडेड में टोटल टाइम कितना होगा 17x बाय 600, ये 600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 17 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है बेटा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, अपन ने सबसे पहले वी हैड कैलकुलेटेड दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ आवर जर्नी, फिर उसके बाद अपन ने टोटल टाइम निकाला, फिर एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है बेटा। बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, ना ही इससे अपन को डिस्टेंस दिया और ना ही इससे अपन को टाइम दिया, लेकिन इसके बावजूद अपन ने क्या कर दिया, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर दिया है, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बेटा यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो रिजाइन करके बताइए, फिर अपन नेक्स्ट बिग टॉपिक पे चलें, याद करो बेटा, एवरीवन फास्ट मोहित, माहिका, हमेश, दिशा, रिया, अनमोल, अंजलि, निखिल, पूर्वेशा, राघव, हैंड रेज करना नहीं आता बेटा, बेटा हैंड रेज क्या करना है, हैंड रेज आपको साइड में जाना है, मोर वाले ऑप्शन पे, मोर पे जाके वहां पर रेज हैंड का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना है, ठीक है, वेरी गुड, चलिए आगे चलें। अब बेटा ध्यान से देखो एक चीज हमने यहाँ पर समझनी है, वो क्या समझनी है, देखिए क्वेश्चन के अंदर दोबारा से डायग्राम बनाएंगे समझेंगे, देखो ये मेरा पास पॉइंट ए और ये मेरे पास पॉइंट बी, क्या इस क्वेश्चन में जाने वाला डिस्टेंस और वापस आने वाला डिस्टेंस क्या दोनों सेम थे कि नहीं थे, क्या इस क्वेश्चन में जाते समय जो डिस्टेंस था और वापस आते समय जो डिस्टेंस था ये दोनों सेम था कि नहीं था, सेम था, इसीलिए इसका मेथड कुछ इस तरीके से बना, अरे बात समझ में, इसलिए इसका मेथड कुछ इस तरीके से बना, और हमेशा पहचान लेना है बेटा आपको क्वेश्चन देखते ही कि अगर जाने वाला डिस्टेंस ए से बी पॉइंट तक जाने वाला डिस्टेंस वापस आने वाला डिस्टेंस के बराबर है तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है लिखते हैं अभी, देखो ध्यान, वो फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x1 h2 डिवाइडेड बाय h1 plus h2, ये स्पीड जाने की, स्पीड आने की डिवाइडेड बाय स्पीड जाने की प्लस स्पीड आने की ऐड कर देंगे, आंसर देखो क्या आता है 2 into 50 into 120
डिवाइडेड बाय 170, आंसर आ गया देखो 12,000 डिवाइडेड बाय 170, ये जीरो में जीरो को मार दिया, आंसर क्या आ गया 1200 बाय 17 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। बेटा देखा अपन ने क्या किया, अपन ने पहले पहचाना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कैसे पहचाना, क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये देखा दैट व्हाट इज द डिस्टेंस, ए से बी जाने का डिस्टेंस और बी से वापस ए आने का डिस्टेंस, ए से बी जाने का डिस्टेंस और बी से वापस ए आने का डिस्टेंस, अपन ने ये देखा कि दोनों डिस्टेंसेस क्या थे, सेम थे। अगर दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो अपन डायरेक्टली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट फॉर्मूला सेम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1+s2, ये फॉर्मूला अपन ने लगाया और फाइनली आंसर को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बेटा, क्या किया अपन ने, डायरेक्टली आंसर को कैलकुलेट कर लिया, तो देखो वही सेम आंसर आया 1200 बाय 17 और यहाँ पर भी 1200 बाय 17, सेम आंसर। एक बार बहुत बड़े मेथड से गए, एक बार छोटे मेथड से आए, एक बार बहुत बड़े मेथड से गए और एक बार छोटे मेथड से आए। बेटा अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए, अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग। तो अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने ये देखा दैट हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, किसी भी पार्टिकल की एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, अगर जाने का और वापस आने का डिस्टेंस जो है वो सेम है, अगर वापस जाने का और वापस आने का डिस्टेंस क्या है, सेम। चलिए अब अपन इसी को और अच्छे से सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे। चलिए बेटा देखिए, चलिए इसी का जो फॉर्मूला निकल के आया, कौन सा फॉर्मूला, 2s1s2 डिवाइडेड बाय h1+s2, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे आता है, कैसे अपन ने निकाला, इसकी बात करते हैं, इसको डेराइव करने की कोशिश। चलिए बेटा फटाफट, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ सबको याद हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में भी प्रोवाइडेड है, तो आपको समझ लेना है, वहां से इसको याद कर लेना है, इस मेथड को याद कर लेना। चलिए ना देखिए, इस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, ये ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जाने की स्पीड है h1 और वापस आने की स्पीड है h2, डिस्टेंस बीच में कितना है x। अब ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन हो गया, बस वेलोसिटी की जगह मैंने h1 और h2 वैल्यू यूज कर ली। ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बेटा जाते समय x डिस्टेंस और वापस आते समय भी x डिस्टेंस, तो ये बन गया x + x = 2x। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ये सारी चीज, बहुत ही आसान चीज है बेटा, बहुत ही आसान, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जाने वाला टाइम t1 मान लो और वापस आने वाले टाइम को t2 मान लो, ठीक है, जाने वाले टाइम को t1 मान लेना है, वापस आने वाले टाइम को t2 मान लेना है। t1 will be equal to x upon s1 and t2 will be equal to x upon s2। ये अपन ने निकाल दिया, ये अपन ने निकाल दिया। चलिए बेटा इसको निकालते हैं, यहाँ से टोटल टाइम, यहाँ से निकाल दिया टोटल टाइम, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 + t2। टोटल टाइम क्या होगा, t1 + t2, यहाँ पर t1 की वैल्यू है x upon s1, t2 की वैल्यू है x upon s2, एलसीएम लेंगे डिवाइड में आ जाएगा s1 s2, ऊपर आ जाएगा x times s2 + x times s1। इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा कॉमन, देखो x आ रहा है ऊपर बचा s1 + s2 डिवाइडेड बाय s1 s2, ये मेरे पास आ गया टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम x into s1 + s2 मल्टीप्लाई बाय s1 s2, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अपन ने वहीं से डिराइव किया, वही सेम मेथड यूज किया जो सेम मेथड अपन पहले यूज करते थे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, पहले अपन ने इस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, सही बात है, पहले अपन ने इस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और फिर इस मेथड से अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लिया ट्वाइस ऑफ h1 h2 डिवाइडेड बाय h1 +
H2। मेरे हिसाब से यहाँ तक अपन को सारी बात समझ में आती है तो एक बार रिजल्ट करके बताइए। और हमारा यहाँ टाइप वन क्वेश्चन एवरेज स्पीड का खत्म होता है। फटाफट बेटा फटाफट एवरीवन इन दिस क्लास फास्ट बेटा फास्ट। तो यहाँ तक अपन ने समझा दैट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड जब जाने का डिस्टेंस और वापस आने का डिस्टेंस सेम हो। जब जाने का डिस्टेंस और वापस आने का डिस्टेंस क्या हो सेम हो। नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर व्हाट नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप टू क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। उसमें देखेंगे एक जर्नी। देखो यहाँ पर भी जर्नी के दो पार्ट हैं, जाते समय और वापस आते। जब जा रहा था और जब वापस आ रहा था। जब जा रहा था तो डिस्टेंस एक्स था, वापस आते समय भी डिस्टेंस एक्स। तो देखिए दो पार्ट में हम जर्नी को डिवाइड कर सकते हैं, गोइंग एंड रिटर्निंग बैक। सिमिलरली टाइप टू क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, हम जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बट वहां पर डिस्टेंसेस सेम ना होकर के क्या सेम होगा, टाइम सेम होगा। जब डिस्टेंसेस सेम होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब टाइम सेम होगा तो फॉर्मूला विल चेंज। अब उसकी बात करते हैं। चलिए बेटा फटाफट बात करेंगे। लेट अस सी अबाउट दैट बेटा। लेट अस सी कैमरा ऑन मत करो पूर्वा। चलिए देखिए आगे देखते अपने को अगले टाइप का क्वेश्चन पहचानना है। तो अब देखेंगे टाइप नंबर टू। टाइप टू क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जर्नी डिवाइडेड इंटू टू हाफ। दो हाफ में जर्नी को डिवाइड किया such that speeds are different for two halves. Speeds are different for both the halves, but time is same. बट टाइम है। ये अपन ने क्या किया, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा। ये टाइप का क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, ये टाइप का क्वेश्चन अपन को ये कहता है कि जर्नी को यहाँ पर भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जाने का एक वापस आने का सब कुछ। बट यहाँ पर दो हाफ के अंदर स्पीड तो अलग अलग होंगी बट टाइम क्या होगा, सेम होगा। लेट अस सी। देखो बेटा ध्यान से, ये ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ए से बी जाने का जो स्पीड है वो है एस वन। एस वन क्या है यहाँ पर बेटा, स्पीड है। और बी से सी जाने का स्पीड जो है बेटा वो है एस टू। तो यहाँ पर ये भी एस टू क्या है, स्पीड। बट द टाइम टेकन इज सेम। यहाँ पर भी टाइम टी लगा और यहाँ पर भी टाइम टी ही लगा। समझ में आया, ठीक है, मुझे भी समझ में आया, आपको भी समझ में आया। चलिए इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें डिस्टेंसेस नहीं पता। अब देखो स्पीड अलग है, स्पीड अलग अलग है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी अलग होगा। इसको डी वन डिस्टेंस मान लो और इसको डी टू डिस्टेंस मान लो। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, डी वन प्लस डी टू करके। और डिस्टेंस क्या होता है, देखो ध्यान से, स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या बनेगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस यहाँ से स्पीड इंटू टाइम बन जाएगा। पुट करते हैं, डी वन की वैल्यू निकालते हैं, डी वन की वैल्यू निकालिए। चलिए स्पीड इंटू टाइम करो, स्पीड है एस वन, टाइम है टी। सिमिलरली डी टू की वैल्यू निकालेंगे, स्पीड इसके लिए एस टू, टाइम है टी। तो यहाँ पर भी एस टू इंटू टी। बेटा यहाँ तक बात आती है अपन को समझ में, मुझे भी आती है समझ में, आपको भी आती है समझ में। चलिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस वन इंटू टी प्लस एस टू इंटू टी, क्योंकि डी वन प्लस डी टू कर दिया अपन ने।
टोटल टाइम निकालेंगे, देखिए क्या आता है यहाँ पर, एस वन प्लस एस टू इंटू टी ए, मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम निकालते हैं तो टोटल टाइम क्या होगा, टी प्लस टी, आंसर विल बी टू टी, टी प्लस टी, आंसर क्या आ गया टू टी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एस वन प्लस एस टू इंटू टी बाय टू टी, टी से टी कैंसिल, आंसर विल बी एस वन प्लस एस टू बाय टू। बेटा ध्यान से देखो, बोर्ड पे सारी चीज लिखी हुई है, बोर्ड पे सारी चीज लिखी हुई है। क्या कहता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एस वन प्लस एस टू बाय टू। इस तरीके से अपन ने फॉर्मूले को कैलकुलेट करा। तो देखिए बेटा, जब डिस्टेंसेस सेम होते थे तो फॉर्मूला निकल के आता था, क्या फॉर्मूला निकल के आता था बेटा, जब डिस्टेंसेस सेम थे तो फॉर्मूला निकल के आया था टू एस वन एस टू डिवाइडेड बाई एस वन प्लस एस टू। लेकिन जब टाइम सेम हुआ दोनों हाफ का तो फॉर्मूला निकल के आया एस वन प्लस एस टू बाय टू। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्पीड के अंदर। एक में डिस्टेंसेस दो हाफ के सेम है, एक में टाइम दो हाफ का सेम है। बेटा यहां तक अगर डेरिवेशन समझ में आया तो रिजाइन करके बताइए सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड निकिता, माइका, अशोक, दिशा, अंजलि, अनमोल, प्रवीण, आईपी, अर्षिता, अपूर्वा, मोहित, रिया, वेरी गुड, नैना, बहुत बढ़िया, हेमेश, निखिल एंड पुरवाशा, आपका हैंड रेज नहीं हुआ है बेटा। हेमेश, निखिल एंड पुरवाशा, इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज योर हैंड। एंड रेज योर हैंड करके बताइए फटाफट। व्हाट इज द क्वेश्चन से, now question based upon type second question, type second question, see question क्या कहता है, a car moves with 40 किलोमीटर पर आवर for 2 hours, then moves with 80 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 hours। ठीक है, पहले 2 घंटे के लिए गाड़ी ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर नेक्स्ट 2 घंटे में गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, उसका कैलकुलेट एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आर, तो पहले 2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आर, ये टाइम पहला 2 घंटा, फिर अगले 2 घंटे में 80 किलोमीटर पर आर, तो टाइम यहाँ पर भी 2 घंटा। ध्यान से देखो पहचानेंगे क्वेश्चन को, क्या जर्नी के दो हाफ हैं, बिल्कुल दो हाफ, क्या दोनों हाफ में टाइम सेम है, क्या दोनों हाफ में टाइम सेम है। अगर दोनों हाफ में टाइम सेम होता है तो ये टाइप सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अगर ये दो हाफ में डिस्टेंस सेम होता तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता, टाइप सेकंड क्वेश्चन हो गया। टाइम सेम है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, याद रहेगा कौन सा टाइम, ये वाला टाइम, दोनों आपके लिए सेम रहेगा, सेम रहेगा तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, टाइप सेकंड क्वेश्चन हो गया। टाइप सेकंड को अपन कैसे करते हैं, पहले टोटल, पहले मेथड से चलते हैं। देखिए मेथड से चलते हैं तो देखिए डी वन डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, डी वन डिस्टेंस, फिर अपन यहाँ से यहाँ तक का डी टू डिस्टेंस निकालेंगे। डी वन डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, 40 × 2 = 80 किलोमीटर, ऐसे d2 डिस्टेंस निकालेंगे, d2 कितना आएगा, 80 × 2 तो 80 × 2 160 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना आएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस आएगा 80 प्लस 160 240 किलोमीटर आएगा। बोलो तो कुछ समझ में आया, तो यहाँ से 240 किलोमीटर मेरे पास क्या आ गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम निकालते हैं बेटा, टोटल टाइम क्या है, 2 hours + 2 hours, आंसर इज 4 hours, 4 घंटे। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम
240 बाय 4 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर टाइम। ये मेरे पास आ गई एवरेज स्पीड। मेथड से तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है बेटा, मेथड से हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन 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 अगर मुझे जल्दी से आंसर चाहिए तो क्या करूंगा, मुझे पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। एवरेज स्पीड टाइप सेकंड क्वेश्चन में होती है S1 प्लस S2 बाय 2। डायरेक्टली लिखो, देखो 40 प्लस 80 बाय 2 आंसर क्या आ गया, देखो 120 बाय 2 आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार अपन ने मेथड से भी निकाला और एक बार अपन ने डायरेक्टली निकाला, अपना आंसर हमेशा क्या आया, सेम आया। बेटा यहां तक आज अपन ने टाइप वन और टाइप टू क्वेश्चंस देख लिए हैं। टाइप वन क्वेश्चन किसमें था, टाइप वन क्वेश्चन तब था जब दो हाफ का डिस्टेंस सेम होता है, टाइप सेकंड क्वेश्चन में दो हाफ का टाइम सेम होता है। नाउ आई विल कंडक्ट योर अटेंडेंस, अब मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा।